ठीक है सोच साहब, तो आज हम लोग बात करेंगे हाइपरग्लाइसेमिक हाइपरऑस्मोलर कोमा स्टेट के बारे में। तो HHS के नाम से जाना जाता है, ये जो होता है कॉमन होता है किसमें, टाइप 2 डायबिटीज मेलिटस में। इसका जो है ग्लूकोज का रेंज मोर देन 600 मिलीग्राम परसेंट से लेके 1600 तक या 1200 तक का भी हम लोग मानते हैं, लेकिन मोर देन खाली एक क्राइटेरिया आता है, क्योंकि मोर देन 600 मिलीग्राम पर परसेंट से ज़्यादा इसका ग्लूकोज होना चाहिए। बेसिकली ये क्यों प्रेसिपिटेट करता है ये, अच्छा अगर इतना ज़्यादा ग्लूकोज है तुम्हारे बॉडी में तो ऑब्वियसली तुम हो सकता है कि ये DKA में चला जाता है, क्यों DKA में जाता है, लेकिन क्योंकि यहाँ पे इंसुलिन का कुछ सेंसिटिविटी है, तो कुछ सेंसिटिविटी होने के कारण वहाँ पे कीटोन बॉडीज का फॉर्मेशन नहीं होने देता, ठीक है। वहाँ पे तो पूरा इंसुलिन कमी हो जाता था, यहाँ पे थोड़ा इंसुलिन है, ठीक है, इस कारण से ये हाइपरग्लाइसेमिक हाइपरऑस्मोलर कोमा में ये प्रेसिपिटेट करता है, राइट। ये थोड़ा सा पैथोजेनेसिस इतना थोड़ा सा याद रखना, ठीक है ना, लिखना नहीं है एग्जाम में इसको, ठीक है ना, केवल एक हाइपोथेसिस है जो सजेस्ट की गई है। तो एक कॉमन होता है किसमें, टाइप 2 डायबिटीज मेलिटस में कॉमन होता है। क्लासिकली पेशेंट इज एल्डरली, तो यहाँ पे टाइप 2 डायबिटीज मेलिटस का पेशेंट होगा तो वो होता है एल्डरली पेशेंट होता है जिसको हिस्ट्री ऑफ पॉलीयूरिया फॉर सेवरल वीक्स हो जाए या विथ वेट लॉस एंड डिक्रीज ओरल इनटेक, मतलब कि ऐसा पेशेंट जो है एल्डरली पेशेंट है और उसको हिस्ट्री रहे पॉलीयूरिया की, उसको डिहाइड्रेशन हो गया और कितना, मतलब कि ओरल इनटेक भी हो उसकी कम हो रही हो, पॉलीयूरिया हो रहा हो और वेट लॉस भी हो रहा हो उसको, मतलब सेवरल वीक से, राइट, विथ वेट लॉस एंड डिक्रीज ओरल इनटेक और हिस्ट्री ऑफ पॉलीयूरिया रहा है, और ये बंदा जो है मेंटली कंफ्यूज रहेगा, ठीक है ना। क्लिनिकल फीचर्स के क्या क्या होते हैं, डिहाइड्रेशन ड्यू टू ग्लाइकोसूरिया, तो यहाँ पे बंदा क्या रहेगा, डिहाइड्रेटेड रहेगा, बंदा क्या कहेगा कि हाँ भैया हम डॉक्टर साहब कि हमें बहुत ही ज़्यादा HHS मतलब कि हैं और हम पॉलीयूरिया हो रहा है, तो डिहाइड्रेटेड बंदा रहेगा, ड्राउजीनेस और कन्वल्जेंस में जाएगा, ठीक है ना, ड्राउजीनेस भी होगी इस बंदे को, मतलब कि थक एकदम ड्राउजी रहेगा, ठीक है, एकदम मतलब कि हल्का सा थका टाइप का रहेगा, और कन्वल्जेंस होंगे, ड्राउजीनेस समझ ही रहे हो यार कि क्या होता है ड्राउजीनेस, ठीक है ना, और कन्वल्जेंस होंगे और कोमा होगा, ठीक है ना। और इसके अलावा इन्वेस्टिगेशन पे क्या क्या करोगे, ब्लड शुगर यहाँ पे एक ही क्राइटेरिया है ना, 600 मिलीग्राम परसेंट से ज़्यादा होता है, pH इसका नॉर्मल रहता है, ठीक है, pH में कोई दिक्कत नहीं है वहाँ, जैसे DKA में क्या होता है pH जो है एसिडिक हो जाता था, यहाँ pH नॉर्मल रहेगा, बाइकार्बोनेट नॉर्मल रहेंगे, CO2 नॉर्मल, कीटोन नहीं आएगा, इंसीडियस इन ऑनसेट होता है, ठीक है ना, प्री रीनल एजोटिमिया इज अ वेरी इंपॉर्टेंट, ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है कि ड्यू टू मार्क डिहाइड्रेशन के कारण से यहाँ पे प्री रीनल एजोटिमिया होगा, ठीक है ना। साइंस इसके क्या क्या होंगे, ऑब्वियसली यहाँ पे भी टैकीकार्डिया, हाइपोटेंशन, डिहाइड्रेशन, अल्टरसेंसोरियम कोमा, ये सब हो सकता है, जैसे वहाँ पे था कि हाइपोटेंशन, टैकीकार्डिया, डिहाइड्रेशन, अल्टर्ड सेंसोरियम होता था, यहाँ पे भी वो होगा, ठीक है, लेकिन वहाँ पे जो है कुछ स्मॉल ब्रीदिंग और ये सब नोजिया, वॉमिटिंग, अप डाउन पेन, ये सब नहीं होगा यहाँ पे। रिस्क फैक्टर ट्रिगर्स क्या है, MI, सेरेब्रो वैस्कुलर एक्सीडेंट और निमोनिया, ठीक है ना, तो यहाँ पे भी वही MI, सेरेब्रो वैस्कुलर एक्सीडेंट, निमोनिया जो है रिस्क फैक्टर ट्रिगर्स रहेंगे। मैनेजमेंट क्या करोगे, ऑब्वियसली डिहाइड्रेशन है, फ्लूइड का रिप्लेसमेंट कर दो, मतलब एवरेज डिफिसिट इज अबाउट 10 लीटर, तो इनिशियल 2 लीटर 0.9% आइसोटोनिक सलाइन ओवर 2 आवर, 2 आवर में 2 से 3 लीटर चढ़ा दो, 0.9% आइसोटोनिक सलाइन, इंसुलिन दे दो, रेगुलर इंसुलिन देना है यहाँ पे, IM IV सबक्यूटेनियस फर्स्ट बोलस तुमने इंसुलिन दे देना है इसको, और पोटेशियम सप्लीमेंट कर दो, बिकॉज यहाँ पे पोटेशियम का भी डेफिशियंट होगा, तो KCL विद फ्लूइड दे दो, लैक्टिक एसिडोसिस शुड बी ट्रीटेड, इन्फेक्शन को एंटीबायोटिक्स, एंटीकॉगुलेंट शुड बी गिवन। तो ये बात रही तुम्हारी हाइपर ऑस्मोलर हाइपरग्लाइसिमिक हाइपर ऑस्मोलर कोमा के बारे में, उम्मीद है तुम्हें समझ में आएगा, मिलते हैं तुमसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।